दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, वो भी इंडिगो एयरलाइंस में। जी हाँ, इंडिगो एयरलाइंस में इस वक्त काफ़ी सारी वैकेंसी 12th पास ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए निकली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी जानकारी कि ये वैकेंसी रैंप सिक्योरिटी ड्राइव के साथ साथ और कौन कौन सी पोजीशंस पर निकली है, यहाँ पर सैलरी पैकेज आपको कितना दिया जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने ओपन अप की है jobnow247.com की ऑफिशियल वेबसाइट। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी टीम हम लोग रेगुलर बेसिस पर आप सभी के लिए काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं यानी कि jobnow247.com की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने ओपन अप की है वहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो आज जो इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी आई है, देखिए मैं आपको बता कि इंडिगो रेगुलर बेसिस पर कई सारी हायरिंग्स लेकर के आते हैं। दो दिन पहले भी मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए वैकेंसीज जो है पोस्ट की थी। आज जो वैकेंसी यहाँ पर निकली है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। बेसिकली ये वैकेंसी कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग की है जो कि रिसेंटली यहाँ पर पोस्ट हुई है। गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस यहाँ पर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी गुड़गांव के अलावा और भी काफ़ी सारी लोकेशंस पर आई हैं, आगे चल करके मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ। यहाँ सैलरी पैकेज की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर अप टू 3 लाख पर एनम तक का सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ इंसेंटिव्स भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस वैकेंसी में आपको काम क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग की वैकेंसी है, यानी कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कैबिन के अंदर यानी कि जो फ्लाइट होती है उसके अंदर जो काम होगा वो आपको यहाँ पर करना होगा। तो डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वैकेंसी की जो है यहाँ पर इस तरीके से दी गई है, आप इसको रीड आउट कर लेना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वैकेंसी किस किस के लिए है। तो बेसिकली ये वैकेंसी उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने 12th पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट घबराइए नहीं, मैं आपको आगे चल करके और भी वैकेंसीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए आई है। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आपकी अच्छी होनी चाहिए और हाइट और बॉडी का वेट जो है आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 155 सेंटीमीटर जो हाइट है वो रिक्वायर्ड है। और साथ ही साथ ये वाली वैकेंसी आपको गुड़गांव की दिख रही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जब आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम आप अप्लाई लिंक नहीं देती और आप वीडियो में बोलती है कि मैंने आपको नंबर दिया है तो आप नंबर नहीं देती। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको अप्लाई लिंक अगर है तो अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूं, कॉन्टैक्ट नंबर अगर एचआर ने मुझे बोला है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट वैकेंसी मैंने आप सभी के लिए पोस्ट करी थी जो कि आपकी एक कंपनी में थी जिसका नाम है G4S, जिसमें अर्जेंट ओपनिंग चल रही थी आपकी काफी सारी पोजीशन पर। तो ये देखिए यहां पर मैं आपको दिखा भी देती हूं, ये डिस्क्रिप्शन आपके सामने ही खोल रही हूं, मैं रिकॉर्ड यहाँ पर आपके सामने ही कर रही हूँ। ये देखिए ये जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है ना, आपको करना क्या है, इस लिंक को सबसे पहले प्रेस करना है। ये लिंक इसलिए क्यों देती हूँ, क्योंकि पहले आप अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस वैकेंसी में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो में भी बताती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर लिख करके भी आप पहले इसको देखिए। अगर आप यहाँ पर सूटेबल हैं तो फिर देखिए आपको सामने मैं एचआर का नंबर दिखा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो कमेंट करते हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको नंबर जो है थोड़ा सा ब्लर कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉल हेयर के बटन पर दिया हुआ है नंबर। ये मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, तो इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में नंबर देती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसी आई है ये कौन कौन सी और लोकेशंस पर आई है और मेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज और यहाँ पर है। तो देखिए नोटिफिकेशन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ही मैंने ओपन अप किया है, यहाँ पर आप इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर चेकआउट कीजिए। रिसेंट ओपनिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए 29 तारीख, इस सारी की सारी जॉब वैकेंसी 29 तारीख को ही आई है। इसके बाद 28 तारीख को भी 3 अपॉर्चुनिटी पोस्ट हुई है, 27 तारीख को भी 3 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पोस्ट हुई है। यहां पर आप चेकआउट कीजिए, ये जो सेकंड पेज आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो जो
पुरानी वैकेंसीज होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी। देखिए ये 27 तारीख की जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये देखिए 27 को आई है, ये भी 27 को आई है, ये भी 27 को आई है, और कुछ वैकेंसी यहाँ पर 26 और 25 को भी आई है। तो आप देखिए कोशिश कीजिए आप जो रिसेंटली पोस्ट हुई है, नई तारीख को पोस्ट हुई है, जो कि एक या दो दिन पहले की हैं, उन्हीं वैकेंसीज को रीड आउट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव क्रू कंट्रोल की वैकेंसी है जो कि आपकी गुड़गांव में आई है, और यहाँ पर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि आपको इस वैकेंसी में क्या काम करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अप्लाई करने से पहले, किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले, पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। रीज़न क्या है, जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा आपको रिज्यूमे भी वैसा बनाना होगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या उस वैकेंसी में आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, जो वैकेंसी के बारे में अभी मैंने आपको बताया जो कि इंडिया की काफ़ी सारी लोकेशंस पर आई हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पर इस बार ना सेल्स की वैकेंसी काफ़ी सारी आई हैं जिसमें मेल एंड फीमेल फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वैकेंसी ग्रुप सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल की है। अब इस वैकेंसी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, दोनों के लिए ही है। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रही हूँ, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन भी यहाँ पर दी गई है, क्या क्या आपको काम करना होगा। बेसिकली सेल्स की वैकेंसी है तो सेल्स से रिलेटेड ही काम आपका यहाँ पर होगा, तो जो भी इनके सेल्स टारगेट रहते हैं वो आपको अचीव करने होंगे, जो भी इनकी सर्विसेज रहती है वो आपको यहाँ पर सेल आउट करनी होगी। क्या क्या चीज़ें सेल आउट करनी होगी, जो इनके टिकट्स होती हैं या इनके रिजर्वेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ों पर आपको काम करना होगा। ठीक है, अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ही है। थर्ड पेज पर जब आप आएंगे तो आपको और भी वैकेंसीज दिख जाएंगी जो कि अलग अलग लोकेशन की है। इसमें से काफ़ी सारी वैकेंसीज में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू भी चल रहे हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी में आप यहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये देखिए कितनी सारी लोकेशंस पर है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, इसके बाद अमृतसर, दोरा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, तो इंडिया की काफ़ी सारी लोकेशंस पर ये आती रहती हैं। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जहां पर है तो भी आपको इनकी वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, और अगर ऑनलाइन भी अप्लाई करना है तो भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक मैं दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में। फिर मैं बताती हूँ, मैं हर एक वीडियो के लिंक या अगर कॉन्टैक्ट नंबर है जब मेरे को चार ने दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूँगी, और जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूँगी, अगर आप रजिस्टर यूज़र है तो यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, अदरवाइज क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को भरिए, अपनी आईडी क्रिएट कीजिए। उसके बाद जो सिंपल इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो मैंने पूरी भी बनाई थी, मैं आपके लिए वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ जहाँ पर मैंने ये फॉर्म भी भर के दिखाया, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं, इंडिया की काफ़ी सारी लोकेशन में है, गुड़गांव, लखनऊ, दिल्ली, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बगदौड़ा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी के लिए है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके यहाँ पर आइए, चेकआउट कीजिए और अपनी मनचाही नौकरी में अपना करियर बनाइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।